हेलो दोस्तों, आ गया है रेडमी सीरीज़ का ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। आप विदाउट सर्विस सेंटर जाए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर पर ही देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम है वो ऐसी देखने को मिलती है। वीडियो चलाने पर आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले करना क्या है, तो पहला सॉल्यूशन तो ये आपका है कि आपको अपना फ़ोन रिबूट करना पड़ेगा। और रिबूट करने के लिए पहले आप स्विच ऑफ करेंगे, ये वाला रिबूट नहीं लेंगे, स्विच ऑफ करेंगे सबसे पहले आप। जैसे ही ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपको पोले बटन की जो ऊपर वाली बटन है और पावर बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना है और थोड़ी देर दबाना है। उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में एक मेन मेन्यू आएगा और आपको रिबूट का ऊपर ऊपर का जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। पावर बटन से आप क्लिक करेंगे तो रिबूट टी सिस्टम हो जाएगा। जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं आप, तो दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ना है आपको। और दूसरे स्टेप आपको फ़ोन को रीस्टोर करना पड़ेगा आपको। तो चलिए करते हैं रीस्टोर योर डिवाइस। तो जैसा कि मैंने बताया, इस पे दूसरी जो स्टॉप है वो आपके है रीस्टोर की। आपको अपना फ़ोन रीस्टोर करना पड़ेगा। रीस्टोर से आपका पूरा जो डाटा है वो चला जाएगा, बट इससे आपका फ़ोन सही हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि अपना डाटा पहले सेव कर लेना कहीं पर, देन उसके बाद में रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए काफ़ी सारे अटेंशन, जो भी फॉर्मेलिटी है वो उसको पूरा कराएगा। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो आपका रिस्टोर की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये रिस्टोर होने स्टार्ट हो चुका है और ये हो गया है। जैसे ही खुलेगा तो जैसा न्यू फ़ोन लेकर आते हैं वैसे ही सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो जैसा कि ये खुल गया है MIUI 12.5, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये बाकी की जो फॉर्मेलिटी है जैसा न्यू फ़ोन में आती है सेम वैसे ही पूरी करवाएगा। जैसे ये पूरी हो जाएंगी तो आपको चेक करना पड़ेगा अपना फ़ोन कि बाकी में ऐसा प्रॉब्लम जो है वो अब आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले ये सारी फॉर्मेलिटी को स्किप कर देते हैं। तो जैसे ही ये रीस्टोर का स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका फ़ोन जो है वो वाकई में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या वैसे ही मैं हवा में बात कर रहा हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं। देख सकते हैं आप कि अब जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो अब नहीं आ रही यदि है। आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक कोड डालिए *#6485*#*। इसके बाद में आप अपना बैटरी का स्टेटस है वो देखिए। यदि आपका गुड है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी सब करने के बाद। अगर गुड के अलावा कुछ और है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है बैटरी से रिलेटेड और उसको आपको बदलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।